पार्ट 11 लेसन 11 पेड़ लगाओ पेज नंबर 36 पेज नंबर 36 पेड़ लगाओ पेड़ यानी ट्री लगाना यानी कीपिंग पेड़ लगाओ यानी पेड़ लगाओ छाया पाओ धरती की तुम शान बढ़ाओ बदले में मीठे फल पाओ हरियाली से धरा सजाओ देखिए पेड़ लगाओ छाया पाओ धरती की तुम शान बढ़ाओ बदले में मीठे फल पाओ हरियाली से धरा सजाओ आंखों को तुम सुख पहुंचाओ मेघों से तुम पानी पाओ पुत्र समान सदा तुम पालो पेड़ लगाओ छाया पाओ देखिए पेड़ लगाना पेड़ लगाओ छाया पाओ पेड़ यानी ट्री लगाने पर अपने को क्या आता है छाया छाया यानी शैडो पेड़ लगाने पर अपने को पेड़ ट्री वाटर डालने पर वो बढ़ता है बढ़ के अपने को क्या देता है छाया देता है फल देता है और अपने को ठंडी हवा देता है धरती की तुम शान बढ़ाओ धरती यानी अर्थ शान यानी डिग्निटी शान यानी डिग्निटी झाड़ लगाने पर देखिए हम भी अपने घर के सराउंडिंग्स में झाड़ लगाने पर अपना घर कितना सुंदर होता है उसी तरह अपने घर की शान बढ़ती है यहाँ पर सभी आसपास में भी पेड़ लगाने से धरती की शान बढ़ती है बदले में मीठे फल पाओ बदले में क्या होता है अपने को फल भी देते हैं पेड़ क्या देते हैं फल देते हैं हरियाली से धरा सजाओ हरियाली से भी हमें कैसी दिखती है अपनी धरती बहुत सुंदर दिखती है और अपने को अच्छा सजा हरियाली देखने पर अपने को अच्छा सुंदर दिखता है और सजाते हैं उसे सजाने पर अपने को भी बहुत खूबसूरत दिखती है अपनी धरती आंखों को तुम सुख पहुंचाओ आंखों आंख यानी आइस को ठंडी हवा मिलने पर अपने क्या देता है सुख यानी शांति पीस दिखता है सुख पहुंचाओ मेघों से तुम पानी पाओ मेघ यानी क्या है क्लाउड्स मेघ क्लाउड्स मेघों से तुम पानी पाओ मेघ आने पर हमें क्या होता बारिश होती है उससे अपने को पानी आता है पुत्र समान सदा तुम पालो पुत्र यानी अपने सन की तरह उसी को भी अपने सन को कैसा अपन पालते है अच्छा अच्छा फूड देकर अच्छा उसको ये देकर सब देकर उसे कैसा पालते है अपन पेड़ को भी उसी तरह डेली वाटर देकर उसको जो भी जरूरत है उसको देने से पेड़ भी उसी तरह बढ़ता है पेड़ लगाओ छाया पाओ पेड़ लगाने पर अपने क्या मिलती है छाया मिलती है और एक बार देखिए पेड़ लगाओ छाया पाओ धरती की तुम शान बढ़ाओ बदले में मीठे फल पाओ हरियाली से धरा सजाओ आंखों को तुम सुख पहुंचाओ मेघों से तुम पानी पाओ पुत्र समान सदा तुम पालो पेड़ लगाओ छाया पाओ ये बयान करना चाहिए पोयम देखिए यहाँ शब्दार्थ शब्दार्थ देखिए मीनिंग्स पेड़ यानी ट्री छाया शैडो पाना टू गेट धरती अर्थ शान डिग्निटी बदले में एक्सचेंज मीठे स्वीट हरियाली ग्रीन ग्रास धरा अर्थ सजाना टू डेकोरेट मेघ क्लाउड्स समान लाइट सदा ऑलवेज सदा क्या है ऑलवेज देखिए पेज नंबर 37 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस छाया किनसे मिलती है आप लोग बोलिए बच्चों छाया किनसे मिलती है हाँ छाया हमें किससे मिलती है पेड़ों से मिलती है छाया पेड़ों से मिलती है पेड़ों से किसकी शान बढ़ती है
मीठे फल देते हैं। पेड़ों को किसके समान देखना चाहिए? किसके समान? पेड़ों को पुत्र के समान देखना चाहिए। किसके समान? पुत्र के समान देखना चाहिए। और नेक्स्ट में देखें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। धरती की तुम प्यास बढ़ाओ, क्या शान बढ़ाओ। धरती की देखो तो क्या बढ़ाना चाहिए? शान। पेड़ लगाने पर अपने धरती की शान बढ़ती है। प्यास समान सदा तुम प्यास, पुत्र समान सदा तुम पाओ, सदा तुम पाओ। बदले में प्यास फल पाओ, देखिए बदले में मीठे फल पाओ। मेघों से प्यास प्यास पाओ, मेघों से तुम पानी पाओ। मेघों से क्या मिलता है अपने को? पानी मिलता है। देखिए नेक्स्ट विद अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट यानी उल्टे शब्द और क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उल्टे शब्द और विलोम शब्द कहते हैं। इंग्लिश में से अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। धरती यानी स्काई, धरती स्काई और धरती यानी एर्थ, धरती एर्थ और अंबर स्काई। धरती यानी क्या है? अर्थ, अंबर स्काई। मीठा स्वीट, खट्टा यानी सोर, उसके अपोजिट में। धरती को अपन अर्थ कहते हैं और अंबर यानी स्काई। सुख दुख और अंत शुरू, अंत यानी एंड, शुरू यानी स्टार्ट। अंत और शुरू, ये एंड, अंत को एंड कहते हैं, शुरू को स्टार्ट कहते हैं। देखिए ये रिवीजन में हो रहा है लेक्चर। आप लोग भी अब तक जो फेरो कंप्लीट नहीं करें कंप्लीट करना चाहिए और डेली रीडिंग करना चाहिए और एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए और रीडिंग डेली जरूरी है। थैंक यू।